आज हम APS स्कूल से अशोक के घर पे हैं। अशोक ने 10th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं। हमारी सम्मान की इस कड़ी में हम हमारे सभी डायमंड्स की पास जा रहे हैं। अशोक भी उनमें से ही एक है। इनके घर आए हैं, इनके फादर दादा जी दादी जी और इनकी मम्मी के परिवार के लोग आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, ये APS की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम सब परिवार हैं और बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ जाते हैं, उन खुशियों को इन सबके साथ बांटते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अशोक की मैडम जी भाई अशोक की दादी जी अशोक की दो बड़ी सिस्टर जो हैं वो भी अपने पास से 12th किया है और अभी BSc बीएड और कर रही हैं। इनकी माता जी, मैं चाहूँगी मैडम माला पहनाकर इनका स्वागत करें। बहुत बहुत आप सभी को बहुत दोनों बहनें हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी बेटा एक बार आप आगे आए प्लीज। आप भी आगे बेटा। इन्होंने भी 10th और 12th हमारे स्कूल से किया है और 12th में दोनों के एक के 96 और दूसरे के 98% हासिल किए थे। देखिए, परंपराएं चलती आती है। बड़े खुशनसीब हैं ये पेरेंट्स। बहुत गर्व की बात है। पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चा अगर उनका आगे निकलता है तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है कि इन बच्चों के लिए ही हम सब कुछ कर रहे होते हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कितना आपका स्कूल के बाद कितने अवर्स आप स्टडीज करते थे और कैसे अपने स्टडीज को प्लान किया कि आप इस अचीवमेंट तक पहुँचे। खुल के बताना, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितना जैसे आपने पढ़ाई कर, ये बच्चे जानना चाहते हैं। आपकी हर सक्सेस स्टोरी जो है वो बच्चों के लिए मोटिवेशन होता है कि हमने कैसे करा, मैं भी अशोक की तरह करूँगा, आगे बढ़ूंगा। मेरा आत्मा स्टडी करता था तो सब सोने के बाद सब सो जाते तब ये साइलेंट में पढ़ता था। दैट्स वेरी नाइस। बहुत सेक्रीफाइस मांगती है चीजें। हाँ बेटा, कैसे मतलब कैसे, जैसे मैथ्स काफी टफ सब्जेक्ट है, उसको कैसे लेते थे आप, कैसे पढ़ते थे? मैथ्स अलग, इंग्लिश हो गया, इन चीजों पे कैसे फोकस करते थे? उनकी प्रैक्टिस करता था। रिटर्न क्वेश्चंस निकालते थे मैथ्स में? कितने घंटे मैथ्स को देते थे? सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को टाइम दिया आपने? मैथ्स में। टीचर से कितना सपोर्ट मिला, क्या एक्स्ट्रा उन्होंने काम कराया? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कराया। दीपक जी सर ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कराया था। सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, लेकिन आप डॉक्टर बनना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई। इनके फादर हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी सर आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। बेटे की इस उपलब्धि पर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। मन गया चाचा जी हूं, जो पापा जी हैं वो बैंगलोर रहते हैं। ओके, चाचा जी हैं और ये कह रहे हैं कि पूरा स्कूल से सपोर्ट मिला और बच्चे ने पूरी तरह से मेहनत करके लगन करके काम किया और आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आते हैं इनकी दादी जी के पास। माता जी, क्या लग रही हो? बढ़िया लग रही हो? बढ़िया लग रही है बेटा। जब पोतो आगे बढ़े बच्चों को आगे बढ़े ना आगे मैं बढ़ा। हाँ बढ़ते था बिल्कुल। हाँ, बच्चा के सारे ही आप आगे बढ़ा। बिल्कुल अपना बढ़ रही है। यहाँ अब बढ़ रही है बच्चा, बढ़ती नहीं बढ़ है बच्चा, बढ़ती जना ही बढ़ती। बहुत बड़ी बात कही माता जी ने कि बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। यही है प्यार दुलार। इनकी माता जी हमारे सामने, हम चाहेंगे आप भी अपनी खुशी का इजहार हमारे दर्शकों को बताएं। कितना बिटिया पहले आपकी 90s दे चुकी है, आप बेटे ने भी पीछे हुई कीर्तिमान हासिल करा। कतोक चोको लागे तन, बहुत ही बढ़िया लागे। देखिए, हमारा गाँव, हमारी प्रकृति यहाँ इन घूंघट के पीछे है, लेकिन एक अंदर से दबे हुए सपने हैं कि जो सपने हमने पूरे नहीं करे वो हमारे बच्चे करके दिखाए। और इस पर्दे के पीछे से भी मातृशक्ति अपना पूरा सपोर्ट कर रही है इन बच्चों को और इन बच्चों को, ताकि ये अपने सपनों को पूरा कर सके। जो सपने इनके दब गए हैं, जो नहीं कर पाए, करना चाहते थे, वो अपने बच्चों के माध्यम से ये पूरा करें। इनकी बहनों पर आते हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। बड़ा बताइए कैसे अपनी उपलब्धियों को और अपने भाई की इस अचीवमेंट को आप किस तरह से? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हमारी और हमारी भाई की उपलब्धियों। ये हम सब सोचते थे तब तो पढ़ाई करता था और हमें उम्मीद भी नहीं थी। छुपा रुस्तम था, आप सबके सोने के बाद एकदम शांति से कहते बहुत सेक्रीफाइस करके करा तब जाके आज इस मुकाम को हासिल करा। ये ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने सपने को यूँ ही पूरा करे। ये पूरा परिवार हंसी खुशी आगे बढ़े और APS के साथ हम सब मिलकर रहें और आगे बढ़े। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।